नमस्कार। अब इस मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पूरी तरह से फेल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है। 18 साल की कॉलेज छात्रा के मर्डर की घटना के एक दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकारें पूरी तरह विफल रही है। मुंबई में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की बात आई तो राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें गंभीर नहीं थी। बारामती की सांसद ने दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शनों का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा कि हमने देखा कि कैसे पुलिस दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ पेश आई, जो सेक्सुअल हरासमेंट मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं मुंबई में एक छात्रा के साथ सरकारी हॉस्टल में मर्डर कर दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और कैमरे में भी नहीं लगे थे। धन्यवाद।